हम लोग ये कहते हैं ना कि परमेश्वर का राज आएगा, परमेश्वर का राज आएगा, परमेश्वर का राज आएगा। अरे परमेश्वर का राज तो स्थापित हो चुका है, परमेश्वर का राज तो प्रकट हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। परमेश्वर का राज तो आ चुका जो तुम्हारे बीच में है, और परमेश्वर के राज का दर्शन तो पहले ही दानिय्येल नबी को दिखा दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 10:2-4 के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 10 उसके 5 से लेकर 7 तक। यहाँ लिखा है, जिस सरदूत को मैंने समुन्दर और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुन्दर को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें सरदूत के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यताओं को दिया पूरा होगा। जो सरदूत पृथ्वी और समुन्दर पर खड़ा हुआ देखा, उसके बारे में हम बहुत कुछ वर्णन कर चुके हैं, परंतु वो स्वर्ग की तरफ दाहिना हाथ उठाकर क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। अब यहां पर जो है जो मुख्य बातें हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। पहली जो बात है, जो युगानुयुग जीवता है। दूसरा है, जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है बनाया। जिसने पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है उसने जो है सिरजा। जिसने समुन्दर को और जो कुछ उसमें है उनको सिरजा। ये तीनों चीजें जो है, स्वर्ग पृथ्वी और समुन्दर की बातें। तीसरा पॉइंट है इसमें, जिसने ये सब कुछ सिरजा उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। आइए हम पहले उस पर बात करते हैं, जो युगानुयुग जीवता है। प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 18वां पद, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग तक जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यह यीशु मसीह क्या कहता है, मैं मर गया था। जी हां, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर था, तब वो क्या करता है, क्या देख, क्यों आया वो इस पृथ्वी पर? वो इस पृथ्वी पर हम सबके पापों के लिए आया, और वो मर गया और मरकर तीसरे दिन जी उठा। जब वो जीवित हो गया, अब वो इस बात को बताता है कि अब मैं युगानुयुग का मतलब फॉर एवर तक, हमेशा। अब वो कभी भी नहीं मर सकता है, अब वो कभी भी नहीं मर सकता है। अब यहां पर जो एक विशेष बात कही गई है कि अधोलोक और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु का मतलब क्या है, अब उसके प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है वो मृत्यु के ऊपर भी है और अधोलोक में भी है। उसके ऊपर वो किसी को भी मृत्यु में से निकाल कर जीवित खड़ा कर सकता है, और किसी जीवित इंसान को मृत्यु तक पहुंचा सकता है, किसी को अधोलोक में पड़ने से बचा सकता है, और किसी को भी अधोलोक में भेजने का भी उसके पास अधिकार है। ये अधिकार जो है वो उसके पास है, यानी कुंची का मतलब होता है अधिकार। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा के लिए अब जीवित है, और इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह जो है वो जीवित है। अब मृत्यु और अधोलोक उसके हाथ में है। मृत्यु से बचना चाहते हैं, उस अधोलोक में जाने से बचना चाहते हैं, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है हम अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर वैसे ही जिए। यदि उस मृत्यु से और उस अधोलोक से बचना चाहते हैं तो यहां पर दूसरा पॉइंट है, जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, जिसने पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, जिसने समुन्दर को और जो कुछ उसमें है, उन सब की सृष्टि जो है वो उसने की है। अब इस चीज को समझे जरा, किसने करी है? प्रभु यीशु मसीह ने। यहोन्ना उसकी बात जो है वो कहता है कि मैं उसकी शपथ खाकर कहता हूं। मतलब कौन कह रहा है? जो स्वर्गदूत है, जो यूहन्ना से बातें कर रहा है, वो उसकी शपथ खाकर कह रहा है। और वो सृष्टि करता कौन है, इसको समझ ले। कुलुसियों 1:15-16 तक यहां लिखा है, वे तो अदृश्य
परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है। ध्यान करें कि प्रभु यीशु मसीह जो है दिखाई ना देने वाले परमेश्वर का जो है वो प्रतिरूप है, वो एक परमेश्वर का रूप है जो प्रकट आया। इसलिए वो कहता है जब वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर था तो वो कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यानी उस समय जो चेले थे, जो लोग थे, जो भी लोग थे, ये बात उसने फिलिपुस से कही कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। अगर तुमने मुझे देख लिया तो समझो पिता को देख लिया। क्यों क्यों कहता है? क्योंकि पौलुस यहां पर इस बात का वर्णन करता है कि यीशु मसीह जो है वो अदृश्य दिखाई ना देने वाले परमेश्वर का जो है वो प्रतिरूप है। और 16वें पद में लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब ध्यान करें कि सारी वस्तुएं जो हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है वो सृजी गई है। अब आप कहोगे कि कैसे भाई? यूहन्ना पहला पद, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय पहला पद आप पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। फिर उसका 14वां जब आप पद पढ़ेंगे, इसी का यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 14वां पद कि वचन देहधारी हुआ। अब किसमें वो वचन, वचन रूपी परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ था, जो स्वयं परमेश्वर था, वो जो है उसी के द्वारा सृष्टि हुई है सब कुछ, उस वचन के द्वारा हुई है, उसी के द्वारा जो है और उसी के लिए हुई है। ये बात जो है इस बात को प्रकट करता है। इसलिए इन चीजों को जो है, इन भेदों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसमें लिखा है जिसने ये सब कुछ सिरजा उसकी शपथ खाकर कहा अब तो और देर ना होगी। अब सरदूत ने जो है किसकी शपथ खाई है? उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की शपथ खाई है जो युगानुयुग तक जीवित है, जिसके हाथ में मृत्यु और अधलोक की कुंजियां हैं, अधिकार है जिसके पास इन चीजों का, उसकी शपथ खाकर कहता है कि अब तो और देर ना होगी। अब देर ना होगी एक कॉमन सी बात हो गई, परंतु इसमें तो शब्द लगा तो, अब तो और देर ना होगी, यानी अब देर होने की नहीं है बिल्कुल भी। अब जो कुछ भी है निर्णय होना है आर या पार, दुनिया का अंत जो है किस बात की है और प्रकट करता है किस बात की देर ना होगी, इन चीजों को समझना है। अब इसी का 7वां पद जरा पढ़ेंगे, वरन 7वें सरदूत के तुर्री फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब यहां विशेष बात जरा ध्यान करने की है, 7वें सरदूत के तुर्री फूंकने पर जो है होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। विशेष बात क्या है कि अभी 6वें सरदूत ने जो तुरी फूकी है उसकी घटनाएं पूरी नहीं हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी उसकी घटनाएं पूरी नहीं हुई हैं, परंतु यहां पर 7वें सरदूत के तुरी फूकने का वर्णन किया जा रहा है। और 7वें तुर्री के फूकने का जो वर्णन किया जा रहा है वहां पर क्या किया जा रहा है कि उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया वो पूरा होगा। अब यहां 7वें सरदूत ने तुर्री फूकने पर किस बात का जो है वर्णन किया जा रहा है, ये ध्यान जो देने की बात है उस सुसमाचार की जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया वो क्या है, वो होने वाले शब्दों का मनोरथ क्या है, इस चीज को समझना है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 15वां पद, जब 7वें दूत ने तुर्री फूकी, ध्यान दीजिएगा अभी 7वें सरदूत की तुर्री का वर्णन नहीं है, हम बात कर रहे हैं 6ठे सरदूत की, मगर यहां क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 11 के 15वें, जब 7वें दूत ने तुर्री फूकी तो स्वर्ग में इसी विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। कौन से विषय के? जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करता है। जब हम 7वें सरदूत के तुरी फूकने का वर्णन करेंगे तब हम इन बड़े बड़े शब्दों के रहस्य को जानेंगे
परंतु अभी हम प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसके 7 के सुसमाचार के रहस्य को जानेंगे जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को देकर पूरा किया है। कि सुसमाचार का वो रहस्य जो है वो क्या दिया, आप निकाल लीजिए मेरे साथ इफिसियों 6 अध्याय उसका 19 पद, यहां लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हमें जो है उस सुसमाचार के भेद को समझना है जो उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम तक पहुंचाया है। सुसमाचार, देखिए सुसमाचार कई प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ सुसमाचार भेदों से भरे हैं जिनको हमें समझना है जो सातवें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर प्रकट होगा, उन शब्दों को ध्यान करेंगे। परंतु यहां पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, यानी साहस के साथ प्रबल होकर बोल सकूं, निडर होकर बोल सकूं, कोई संकोच ना करूं कि भेद यही है या कुछ और है, कहीं मैं कंफ्यूजन में तो नहीं हूं, कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उस भेद को बता सके। पौलुस यहां जो है इस बात को बता रहा है क्या है सुसमाचार का भेद, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सुसमाचार का भेद जानने के लिए सुसमाचार के लिए अभिषेक होना जो है वो जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप सुसमाचार के भेद को समझना चाहते हैं तो सुसमाचार का अभिषेक, सुसमाचार के उस भेद को जानने के लिए उसका अभिषेक होना जरूरी होता है। मैं आपको बता देना, आप यशाया 61 अध्याय उसका पहला पद पढ़ लीजिए, यहां क्या कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए है और प्रभु यीशु मसीह के लिए यशाया नबी की ये बात जो है पूरी होती है और प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो अभिषेक है वो सुसमाचार को सुनाने के लिए किया गया है। और वो सुसमाचार क्या है वो यहां पर प्रकट भी करता है, वो सुसमाचार क्या है, खेदित मन के लोगों को, यानी जो दुखी हैं, जो कलेश में हैं, जो परेशान हालत में हैं, उनको शांति का सुसमाचार दे सकूं, और जो बंदी हैं, यानी बंधन में है, शैतान के बंधन में है, पाप के बंधन में है, या किसी भी प्रकार के बंधन में है, उनको स्वतंत्रता का सुसमाचार सुना सकूं, और जो कैदी हैं, जो कैद हुए हैं किसी भी तरीके से, उनको छुटकारे का सुसमाचार सुना सकूं। यहां तीन प्रकार के सुसमाचार की बात कर रहा है, एक शांति के सुसमाचार की बात, एक स्वतंत्रता के सुसमाचार की बात, और एक छुटकारे के सुसमाचार की बात। और यही सुसमाचार जो है हमें भी सुनाने के लिए दिया गया है, और इसके अलावा जो सुसमाचार है उनको भेद, उनके भेद को प्रकट करने के लिए दिया गया है, मगर उसके लिए अभिषेक होना जरूरी है। यदि अभिषेक नहीं है तो आप सुसमाचार को सुना नहीं सकते, क्योंकि आप खुद नहीं छुटकारा पा रहे हैं तो आप दूसरे को छुटकारा क्या देंगे, आप खुद उस भेद को नहीं जानते तो आप दूसरे को भेद क्या बताएंगे। तो इसलिए सुसमाचार के लिए अभिषेक होना जरूरी है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, हालांकि उसके अभिषेक की जरूरत नहीं थी, वो तो खुद अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, मगर मनुष्य रूप में आया इसलिए अभिषेक होना जरूरी है, परमेश्वर की हर चीज को जानने के लिए, हर भेद को जानने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहां कोई मामूली बातें नहीं है। फिर है प्रभु का जो प्रथम सुसमाचार था, मती 9 का 35 मरकुस 1 के 14 को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार प्रचार किया वो किसका किया, परमेश्वर के राज के सुसमाचार को प्रचार किया। आप जो है मती 12 का 28, मती 13 का 24, मरकुस 1 का 15, लूका 17 का 20 से 21 तक जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज का उस भेद को खोला है कि कैसे तुम्हारे पास परमेश्वर का राज पहुंच चुका है, कि परमेश्वर का राज जो है परमेश्वर तुम में राज करता है। हम लोग ये कहते हैं ना कि परमेश्वर का राज आएगा, परमेश्वर का राज आएगा, परमेश्वर का राज आएगा, अरे परमेश्वर का राज तो स्थापित हो चुका है,
परमेश्वर का राज तो प्रकट हो चुका, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, परमेश्वर का राज तो आ चुका जो तुम्हारे बीच में है, और परमेश्वर के राज का दर्शन तो पहले ही डैनियल नबी को दिखा दिया गया था। जब डैनियल 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे, और जो नबुकदनेस्सर राजा ने सपना देखा, एक मूर्ति देखी कि सोने का सर है और धड़ और बाजू चांदी की है और पेट जो और जांघें जो हैं वो पीतल की हैं और पांव जो हैं वो लोहे के हैं और पैर की उंगलियां जो हैं कुछ मिट्टी की कुछ लोहे की हैं, और लिखा है कि एक पत्थर जो है बिना किसी के हाथ लगाए उखड़ता है और निकलता है और उस मूर्ति पर पड़ता है और पूरी मूर्ति को वो चकनाचूर कर देता है और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। वो परमेश्वर के राज को प्रगटीकरण है उसका, परमेश्वर के राज को प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर का राज जो है वो आने वाला। जब यीशु मसीह आया तो वो परमेश्वर का राज प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा और स्थापित। ये चीज को नहीं समझ पाते, बस बात करते हैं परमेश्वर का राज आएगा, परमेश्वर का राज आएगा, हम परमेश्वर के राज में जो है प्रवेश करेंगे, हम परमेश्वर के राज में 1000 साल तक राज करेंगे। अरे भैया, परमेश्वर का राज तो आपके सामने प्रकट है। वो क्यों कहता है कि सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो? क्यों कहता है उसके राज की खोज करो? यानी उसका राज यहीं पर है जिसको हमें खोजना है, उसको प्राप्त करना है, उसमें प्रवेश करना है और दूसरों को भी प्रवेश कराना है। सीधी सी बात है कि सबसे पहले उसके धर्म उसके राज की खोज करें। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इस भेद को समझे, राज के सुसमाचार का जो प्रचार किया है उसको समझे, सुसमाचार के भेद को समझे, तब हम प्रकाशित वाक्य के इन और भी बहुत सी बातों को समझ सकते हैं। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ता हूं, जब तक हम उन चीजों को नहीं समझते हुए चलेंगे जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते हैं, जिनको हम कहते हैं अरे परमेश्वर का राज आने वाला, परमेश्वर का राज आने, वो कहता है परमेश्वर का तो राज आ गया, वो तो तुम में है। इसलिए मैंने रेफरेंस दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और वो कहता है, और यही भेद है, सुसमाचार का भेद उसने अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया है और इस सुसमाचार के लिए उसका जो है उनका जो है अभिषेक किया गया है। सुसमाचार के लिए अभिषेक क्यों जरूरी है? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पर पढ़ भी देता हूं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना जाए। अब यहां ध्यान देने की बात है, अब शैतान ने जो है बुद्धि क्यों अंधी करता है, क्यों अंधा बना देता है, क्यों हमें दिखाई नहीं देता है? ताकि परमेश्वर के जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है वो उन पर ना सके, क्योंकि जिनके ऊपर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश चमकता है, जो परमेश्वर के सुसमाचार के प्रकाश में नहाए हुए हैं, उन्हें परमेश्वर का राज दिखाई देता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाते हैं, वो उस भेद को जान जाते हैं। अरे ये भेद है परमेश्वर के सुसमाचार का, जो भेद ये है, ये प्रकट होता है। और वो परमेश्वर के सुसमाचार के भेद को छुपाना चाहता है, इसलिए छुपाना चाहता है ताकि आप उस सुसमाचार के भेद को जानकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर जाओ। ये सबसे पहली नीति, वो कहीं पर अटैक नहीं करता है, वो आपकी बॉडी पे अटैक नहीं करेगा, वो आपको किसी और चीज से परेशान नहीं करेगा, आपकी बुद्धि को अंधा कर देगा कि आप वचन तो पढ़ रहे हो, जो बाइबल मेरे पास है वही आपके पास है, जो मैं पढ़ रहा हूं वही आप पढ़ रहे हो, परंतु आप कुछ समझ रहे हो, मैं कुछ और समझ रहा हूं। यह शैतान की चाल है, और इसलिए बहुत सी क्रिटिसाइज जो है मसीह समाज के अंदर जो है परमेश्वर के वचन को लेकर हो गए, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है। कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, परंतु यहां लिखा है परमेश्वर का वचन जो कहता है प्रथम सुसमाचार क्या था, उसका रहस्य क्या था, इसको जान ले। क्या था प्रथम सुसमाचार? चलिए इसको पढ़ देते हैं, प्रथम सुसमाचार की बात करते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15वां पद जरा पढ़ेंगे, प्रथम सुसमाचार की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15 में ये प्रथम सुसमाचार क्या था? अब इसके भेद को क्या समझेंगे आप?
है कि शैतान को मारने की बात कर रहा है। नहीं, शैतान को मारने की तो बात हो रही है यहां पर, जो कुछ भी है ये यीशु मसीह के पहले आगमन की बात हो रही है, यीशु मसीह के पहले आगमन के सुसमाचार की बात हो रही है यहां पर। जी हां, यीशु मसीह के पहले आगमन के सुसमाचार का वर्णन जो है वो प्रथम आगमन का जो वर्णन है वो यहां पर दिया जा रहा, जो छुपा हुआ इस सुसमाचार के अंदर वो भेद जो इस प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन का जो छुपा हुआ है वो प्रकट हो रहा है, उसका प्रगटीकरण जो है वो दिया जा रहा है तेरे बीच और इस स्त्री के वश में। और यीशु मसीह जो है स्त्री इसे पैदा हुआ, यहां परमेश्वर का वचन बताता है इस सुसमाचार का जो रहस्य था, इसलिए प्रकाशित वाक्य 10:7 के सुसमाचार को के रहस्य को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के उस सुसमाचार के भेद को समझे और खास तौर से उसके उस राज के सुसमाचार को जो सातवीं तुरी के फूकने पर प्रकट होने जा रहा परमेश्वर के राज, उनके भेदों को भी समझने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि सुसमाचार का प्रकाश हम पे चमके, शैतान हमारी आत्मिक आंखों को अंधा ना करे। वो कहता है तुम्हारी आत्मिक आंखें जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर का राज तुम्हें दिखाई दे है? वो कहता ना, दाऊद भी कहता अपनी भजन संहिता 119 को जब आप पढ़ेंगे, कहता है मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हम परमेश्वर के अद्भुत सुसमाचार की बातों को देख सके, तो आइए अपनी आत्मिक आंखों को खोलवाएं परमेश्वर से अनुनय विनय करके ताकि परमेश्वर के राज को देख सके, उसमें प्रवेश कर सके और उस सुसमाचार के भेद को अच्छे से समझ सके। प्रभु आप सबको आशीष दें।